कई बार साधक पूछते हैं, स्वामी जी पूर्ण समर्पण यानी क्या? उनको बताता हूँ, जीवन की प्रत्येक घटना को सकारात्मक रूप से ग्रहण करना, किसी भी बात के अंदर अड़े नहीं रहना, जिद नहीं करना, प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यही पूर्ण समर्पण है। जीवन में कोई भी कोना पकड़ करके मत बैठो, कोई भी एक कोने पे पकड़ करके मत बैठो। अगर आपने पकड़ के रखा कि यही कोना है, यहीं पे मुझे जाने का है, यही मुझे पहुंचने का है, यही होना चाहिए, तो अगर परिस्थितियां ये नहीं हुआ, ये परिस्थिति के अनुकूल नहीं हुआ, तो आपको कभी इधर जाना पड़े तो बहुत बड़ी यात्रा करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा। आपने कोना पकड़ करके रखा था ये, और आपको जाना पड़ा वहाँ, तो इतनी बड़ी यात्रा आपको करना पड़ी। और अगर ये कोना पकड़ कर बैठा कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे यही चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है, तो अगर ये नहीं मिला तो आपको वहाँ से यहाँ तक के यात्रा करना पड़ेगी। तो जीवन में मध्य में रहो, जीवन में बीच में रहो, बीच में रहो। अगर आपको इधर जाना पड़े तो इधर चले आओ, इधर जाना पड़े तो इधर चले आओ। कई बार साधक अपने व्यवहारिक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने निजी स्वार्थों को प्राप्त करने के लिए ध्यान का प्रयोग करते हैं, ध्यान का उपयोग करते हैं, प्रार्थना का सहारा लेते हैं, लेकिन ये भी पूर्ण समर्पण नहीं है। आपकी प्रार्थना ऐसी होना चाहिए, हे गुरुदेव आपके इच्छा अनुसार हो, ये हो ये भी मत बोलो, ये नहीं हो ये भी मत बोलो, आप कुछ भी इच्छा मत रखो, हो भी रखो मत, नहीं भी मत रखो, बीच में रहो, मध्य में रहो, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो अपनी इच्छा से प्रार्थना को बांधो मत, प्रार्थना अपने आत्मा का शुद्ध भाव है, उसको एकदम शुद्ध स्थिति में रखो, एकदम पवित्र स्थिति में रखो, अपनी इच्छाओं से उसको लपेटो मत, बांधो मत। हो सकता है कि थोड़े क्षण के लिए वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आपको लग रहा है कि ये उचित है, लेकिन वो दीर्घकाल में उचित नहीं होगा। तो परमेश्वर को मालूम है, परमात्मा को मालूम है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। आपके जीवन में अनुचित कुछ घटित ही नहीं हो सकता, सब उचित ही उचित होगा, विश्वास रखो। और इसी विश्वास के साथ प्रार्थना करो, आपके इच्छा अनुसार हो। आपकी प्रार्थना इतनी विभक्त होनी चाहिए, किसी से भी जुड़ी हुई नहीं, कोई भी अट्टहास नहीं, कोई भी जिद नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे कुछ भी मत करो। ऐसा अगर समर्पण लाने में आप जीवन में सफल होते हो, तो बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन की ऐसे ही कम हो जाएंगी। कई समस्याएं, सिर्फ हम उस समस्या से जुड़े हुए हैं, समस्या को पकड़े हुए हैं, ऐसा ही होना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है, ऐसा करके उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। उसी कारण एक असंतुलन, उसी कारण एक उद्वेग अपने बीच में निर्माण हो रहा है। इस सबको दूर करके अपने शांति को प्राप्त करो, अपनी सामूहिकता को प्राप्त करो, अपनी कलेक्टिविटी को प्राप्त करो। तो सामूहिकता आपको प्रत्येक दुर्घटना में सुरक्षा प्रदान करेगी, प्रत्येक स्थान में आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। गत वर्ष मैंने गोवा का दौरा किया, जीवन में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, लेकिन गोवा में सब पत्रकार साधक हो गए थे, सब लोग ध्यान करने वाले थे, तो उनके इच्छा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। लेकिन अनुभूति होने के बाद में, ध्यान करने के बाद में, पत्रकारों के भी प्रश्न बदल जाते हैं, उनके भी प्रश्न बहुत सुंदर, बहुत अच्छे होते हैं। सामान्यतः कोई भी साधक प्रश्न पूछता है तो प्रश्न मुझे हजारों लोगों ने पहले पूछा हुआ रहता है, कुछ नया नहीं रहता, उसके अंदर कुछ अलग से नहीं रहता है, सामान्य रहता है। लेकिन उस पत्रकार परिषद में
एक प्रश्न मुझे पूछा गया जो मुझे प्रथम किसी ने पूछा था, पहली बार पूछा था, आज तक इसके पहले वो प्रश्न किसी ने भी नहीं पूछा था। वो प्रश्न ये था, पत्रकारों ने पूछा, स्वामी जी महाराष्ट्र में इतने किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो क्या समर्पण ध्यान से आत्महत्याएं रुक सकती है? तो ये प्रश्न मेरे लिए पहली बार था। थोड़ी देर शांत हुआ, शांत होके मैं इंतजार कर रहा था कि क्या उत्तर आ रहा है। जो उत्तर आया वो इस प्रकार से था कि जो मनुष्य आत्महत्या करता है, पहले वो अपने आप को अलग करता है, समाज से अलग करेगा, अपने आप को परिवार से अलग करेगा, और परिवार से अलग करके अपना अस्तित्व अलग करेगा, और अस्तित्व अलग करके बाद में उसको नष्ट कर देगा। मैंने बताया ना 50% हम अच्छे हैं और 50% बुरे हैं, तो अपना अस्तित्व नष्ट करना बहुत आसान है। इसीलिए वो व्यक्ति पहले अपने अस्तित्व को अलग करता है, समाज से अलग करता है, रिश्तेदारों से अलग करता है, घर से अलग करता है, और उसके बाद में अलग करके फिर अपने अस्तित्व को नष्ट कर लेता है। तो ऐसा अस्तित्व नष्ट करके आत्महत्याएं होती है। लेकिन समर्पण ध्यान में वो साधक लाखों साधकों के साथ जुड़ा हुआ है, लाखों साधक उसके साथ में हैं, तो अलग करना भी चाहे तो भी अलग नहीं हो सकता। वो प्रयास भी करे कि मैं अलग हूं तो भी अलग नहीं हो सकता। तो जब वो सामूहिकता से अलग ही नहीं हो सकता, तो एक साथ लाखों लोग आत्महत्या नहीं कर सकते, इसलिए वो भी आत्महत्या नहीं कर सकता। इसलिए 8 साल हो गए समर्पण को, लाखों साधक हैं, आज तक किसी भी साधक ने आत्महत्या नहीं की है, इसलिए कह सकता हूं कि आत्महत्या इससे रुक सकती है। प्रत्येक साधक अनुभव करता है मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों सकारात्मक आत्माओं की सामूहिकता है, सकारात्मक आत्माओं की शक्ति है, अनुभव करता है, और उसी कारण उसे भी उसके जीवन में उसके अनुभव आते हैं। केवल मैं मेरी बातें नहीं कर रहा हूं, आप प्रत्येक साधक को पूछो, प्रत्येक के साधक के पास अपने अपने अनुभव हैं, निजी अनुभव हैं, इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे अनुभव हैं, उसके पास एक एक पुस्तक लिख सके इतने अनुभव हैं। गत वर्ष अचानक क्या हुआ पता नहीं, मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि जगन्नाथपुरी जाऊं। बहुत दिनों से लग रहा था कि जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए मालूम नहीं। लेकिन जिस दिन मैं नवसारी से जगन्नाथपुरी के लिए निकला, उसी समय एक तूफान भी निकला, और तूफान बिल्कुल मेरे साथ 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 साथ, जैसे मैं जगन्नाथपुरी पहुंचा वहां पे तूफान का संकेत आ गया था, सब रेडियो पे बज रहा था, टीवी पे बज रहा था, सब जगह पुलिस लगे हुए थे, पूरे समुद्र किनारे पे पुलिस ही पुलिस थी। तो वहां पे गया तो सब जैसे कर्फ्यू लगा हुआ ना ऐसा वातावरण, एकदम शून्य का स्थिति, कुछ भी नहीं था, और तूफान बहुत जोर से आने वाला था, इतने जोर से आने वाला था कि 15 किलोमीटर तक के सारे गांव नष्ट कर देगा। तो वहां पे जो मछुआरे बैठे हुए थे, कुछ काम धंधा नहीं, बैठे रहते थे बेचारे दिन भर, तो उनको जाके मिला, यहां क्यों बैठे हो? बोले बाबा वो तूफान इतने जोर से आने वाला है, 15 किलोमीटर तक के सब गांव नष्ट कर देगा, मेरा गांव तो 10 किलोमीटर पे है, तो मेरा गांव तो नष्ट हो गई, तो मैं चाहता हूं मेरा गांव नष्ट होने के पहले मैं नष्ट हो जाऊं, इसलिए मैं आके किनारे पे बैठा हूं, क्योंकि गांव चला गया तो मैं रह के क्या करूंगा, मेरा तो कोई भी नहीं रहेगा, मेरे सब रिश्तेदार गांव में, इतने इनोसेंट इतने अबोध लोग वहां के थे। मैं उनके साथ बैठता था, उनको धीरज बंधाता था, याद रखो दो तूफान एक साथ नहीं आते, मैं आ गया अब तूफान नहीं आएगा। तो उनको आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, टीवी पे बता रहे हैं, रेडियो पे बता रहे हैं, ये झूठ है क्या? मैंने बोला देखना मैं भी यहां रहता हूं ना, देख क्या सच होता है। वो मानने को तैयार नहीं थे, वो बोलते कि बुड्ढा खुद मरेगा और सबको लेके मरेगा, जाओ ना, और मैं बोलता नहीं मैं जाऊंगा नहीं, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तो उनके साथ में रहा, कुछ भी तूफान नहीं आया उनके यहां, तो छोड़ो भारत में ही तूफान नहीं आया, वो बांग्लादेश की तरफ चला गया। तो जब तूफान चला गया तब उनको कुछ तो भी ट्यूबलाइट जली, ये बाबा कह रहा है कि नहीं आएगा, कितने विश्वास के साथ कह रहा था, और भागा नहीं आखिरी दिन तक, वो डटा रहा। तो उन्होंने पूछा आपने किस विश्वास के साथ बताया कि तूफान नहीं आएगा? मैंने उसको बताया तेरे को मैं दिख रहा हूं अकेला,
मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लाखों साधकों की कलेक्टिविटी है, लाखों साधकों की सामूहिकता है। तो आज लाखों लोग तेरे जगन्नाथपुरी में आके बैठे हैं, सब थोड़ी मरने वाले हैं, और अगर मरने वाले होते तो हम नहीं आते। तो सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक एनर्जी जहां स्थापित हो वहां नकारात्मक घटित ही नहीं हो सकता। अरे बाबा, प्रकृति प्रकृति के विरोध में कभी नहीं जाती। सिर्फ तुम प्रकृति से समरसता स्थापित कर लो तो प्रकृति से पूर्ण प्रोटेक्शन तुमको प्राप्त होगा ही। तुम तो बचोगे बचोगे और आसपास के एरिया को बचाओगे। इसलिए आज भी केवल ये मैदान भर की कलेक्टिविटी नहीं है, केवल ये मैदान भर की सामूहिकता नहीं है, केवल इतनी ही लोग नहीं है। आज पूरे दुनिया के साधकों को मालूम है कि आज स्वामी जी राजकोट में हैं, आज राजकोट में कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे लाखों साधकों की कलेक्टिविटी आज आपके साथ में है। चित्त से सब यही है, तो ऐसे लाखों के साधकों का सामूहिकता का प्रभाव, कलेक्टिविटी का प्रभाव आज आप अनुभव कर सकते हो। तो समर्पण यानी अपने अस्तित्व को सामूहिकता में मर्ज कर देना। लेकिन समर्पण पूर्णतः होना चाहिए, पूर्ण भाव से होना चाहिए। देखिए, जैसे नर्मदा नदी अमरकंटक से बहती है और बहते बहते अमरकंटक के ही पहाड़ से एक बहुत बड़ा लकड़ा उस नर्मदा नदी में शामिल हो जाता है। नर्मदा नदी बहती है, वो भी बहता है, उसके साथ साथ बहता है, उसके प्रवाह में बहता है, उसकी गति से बहता है। नर्मदा नदी की जो गति है उसी गति से लकड़े की भी गति है। पानी कहीं नहीं रुकता, पानी कहीं नहीं अटकता, लकड़ा भी कहीं नहीं अटकता, लकड़ा भी कहीं नहीं रुकता, वो भी उसके साथ साथ बहता है। और नर्मदा नदी अपनी पूरी परिक्रमा करके अंत में भड़ोच में आके समुद्र को विलीन हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। और जब नर्मदा नदी भड़ोच में विलीन हो जाती है तो ये लकड़ा भी समुद्र में विलीन हो जाता है। लेकिन कुछ दूरी के बाद, कुछ क्षेत्र जाने के बाद नर्मदा नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, नर्मदा नदी पूर्णतः समुद्र बन जाती है। फिर वहां जाके कोई नहीं बोलता कि नर्मदा है, वो बोलते समुद्र हो गया, सागर हो गया, विशालता प्राप्त हो गई, नदी को विशालता प्राप्त हो गई। नदी का उद्देश्य जो था समुद्र में मिलना, वो मिल गई, और मिलने के बाद में उसका अस्तित्व शून्य हो गया। लेकिन लकड़े का अस्तित्व शून्य नहीं हुआ, लकड़ा आज भी लकड़ा ही है। लकड़ा नर्मदा नदी में भी लकड़ा था, समुद्र में भी लकड़ा ही है। और अभी भी संभावना रहती है कि किसी भी दिन एक बड़े भर्ती के अंदर वो लकड़ा समुद्र किनारे फेंका जा सकता है, क्योंकि उसका अस्तित्व अलग है, वो सामूहिकता से दूर हो सकता है, समुद्र में जाकर के भी दूर हो सकता है और दांडी में जाके गिर सकता है। तो केवल उस लकड़े जैसी सामूहिकता मत रखो, उस लकड़े जैसा समर्पण मत रखो, नहीं तो सामूहिकता के साथ भी रहोगे, कलेक्टिविटी के साथ भी रहोगे, सबके साथ बहोगे भी, सबके साथ पहुंचोगे भी, और पहुंचने के बाद में भी निकाल करके फेंके जाओगे। क्योंकि लकड़े जैसा अपना अस्तित्व अलग रखा हुआ है, अपना मैं अलग रखा हुआ है, अपना अहंकार अलग रखा हुआ है। वो अहंकार साथ में लेके सामूहिकता में जाना, वो लकड़े जैसी ही स्थिति है।
इसलिए अपने अहंकार को छोड़ करके, अपने अंदर के मैं को छोड़ करके, अपने अंदर के शरीर के अस्तित्व को छोड़ करके, अपने बुद्धि को छोड़ करके, आत्मा के अधीन हो जाओ। आत्मा के सानिध्य में चले जाओ। सानिध्य में चले जाने के बाद आत्मा का प्रभाव आपके शरीर पे पूर्ण रूप से पड़ेगा और आप समुद्र कहलाओगे, नदी कहलाओगे नहीं। आपका अस्तित्व शून्य हो जाएगा, आपका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। आप कभी मेरे साथ विदेश आके देखो, आपको कोई भी नहीं पूछेगा कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, क्या नाम है, क्या नौकरी है, कुछ नहीं पूछेगा। एक साधक हो या एक साधिका हो, बस यही आपकी डेफिनेशन, कुछ नहीं, बाकी कोई अस्तित्व ही नहीं आपका, कुछ नहीं पूछता कोई। यानी बाहर के सारे आवरण भीतर जाते समय कुछ भी मायना नहीं रखते, उसके बावजूद भी आप उन्हीं आवरणों को पकड़े हुए हो, आप उन्हीं बातों को पकड़ के रखे हुए हो और अपने अस्तित्व को अलग करने का कोशिश कर रहे हो। और वर्तमान में जीवन में तो सामूहिकता की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, जितनी आज तक कभी नहीं रही। हमको कलेक्टिविटी से दूर करने के लिए, हमारे चित्त को कमजोर करने के लिए, हमारे चित्त को वीक करने के लिए जो घटनाएं आज हो रही है वो हमारे समय नहीं थी। जो वातावरण नकारात्मक आज है वो पहले नहीं था। तो एक बड़ी सामूहिकता की, बड़े कलेक्टिविटी की, बड़े सकारात्मक भाव की बहुत आवश्यकता है। उसके साथ जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब।